बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने आकाश आनंद को बीएसपी के अहम पदों से भी हटा दिया है। इससे पहले आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर भूमिका दी गई थी और बसपा प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। मायावती ने एक्स पोस्ट कर लिखा, मूवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों से हटाया जाता है। इतना ही नहीं, सिलसिलेवार तरीके से मायावती ने ट्वीट कर लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। गौरतलब है कि आकाश आनंद बीएसपी प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी थे, जिसका ऐलान मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक में किया था। लेकिन आकाश आनंद इसके बहुत पहले से ही अपनी बुआ के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आते रहे हैं। आकाश आनंद बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई आनंद के लड़के हैं। 28 साल के हो चुके आकाश आनंद की शुरुआती पढ़ाई लिखाई नोएडा में हुई है। उन्होंने लंदन से MBA की पढ़ाई की है। मार्च 2024 में आनंद की शादी बसपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई। परिवार का माहौल आकाश को राजनीति में लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।